वर्तमान कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड के मरीज भी बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके ऊपर बहुत एक तरह से दमन सा चल रहा है शासन प्रशासन और पुलिस का। इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं चर्चा करूं आज की बात, तो आज जगदीश परमार जी जो उज्जैन के क्राइम रिपोर्टर हैं और उन्होंने से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र रावत जो कि पत्रकार है उज्जैन में माधवनगर पुलिस स्टेशन में, वहां के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ FIR करा दी, सरकारी काम में बाधा की। जबकि बात ये साफ तौर पे है कि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ, एक मरीज को जमीन पे सड़क पर लिटाल रखा है, उसकी रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे, वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। इसी तरह की घटना अलीगढ़ में हुई। प्रदीप शर्मा जी जो कि विवेकानंद कॉलेज में काउंटिंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने मास्क नहीं लगा रखे हैं, प्रयोग नहीं कर रखी है, तो वो प्रदीप शर्मा जी पत्रकार हैं, संपादक हैं शेष प्रश्न अखबार के अलीगढ़ में, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बात का, और गिरफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिस स्टेशन में। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, और वो कितना रिस्क लेकर कोरोना में जाके जनता की आवाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हैं। और ये बात मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अभी कल और परसों लगातार याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, जहां ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही थी, उनके सामने भी इस बात को रखी। तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि झूठे केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं जो बात सोशल मीडिया कहीं कहीं किसी माध्यम से चली जाए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ तौर कहा था कि किसी भी इस तरह की शिकायत पर DGP को, सभी राज्यों के DGP को आदेश दिए गए कि अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन और कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार मानी जाएगी। इस तरह की बात कहने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, हमारा देश का संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है कि चौथा स्तंभ है, अगर उनकी बात नहीं आ जाएगी, मीडिया तो सूर्य की तरह है, जब पहुंचेगी तो बुराइयां दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे, वो चीज सामने रखते हैं। और इस तरह की ऐसी बात आने के बाद उनके ऊपर, चाहे उज्जैन की बात हो, माधवनगर की हो, चाहे अलीगढ़ थाने की बात हो, लोधा थाने की बात हो, प्रदीप शर्मा जी की बात हो, राजेंद्र रावत जी की बात हो, पत्रकारों पर इस तरह के केस रजिस्टर करना पूर्ण रूप से गलत है। और देश भर के पत्रकारों की इस बात की शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको साथ देना चाहिए, दवाई कड़वी है लेकिन फिर भी आपको स्वीकार